चैनल धर्मेंद्र स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलोसफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आठ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सेट वन है। दोस्तों, फिलोसफी का 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है। एक नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध। दो नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक है। दो नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। तीन नंबर क्वेश्चन, सत्व रजस तमस में कहाँ रहते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रकृति। चार नंबर क्वेश्चन, किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। चार नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वेद को जो है उपनिषद कहते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है। पांच नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। छः नंबर क्वेश्चन, रीत संबंधित है। छः नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नैतिकता जो है रीत से संबंधित है। सात नंबर क्वेश्चन, यथार्थ ज्ञान कहलाता है। सात नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, परमा। आठ नंबर क्वेश्चन, कौन प्रथम तीर्थकर है। आठ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पार्श्वनाथ। नौ नंबर क्वेश्चन, शंकर का सिद्धांत है। नौ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अद्वैत। दस नंबर क्वेश्चन, भारतीय दर्शन है। दस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, व्यवहारिक जो है भारतीय दर्शन है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आस्तिक और नास्तिक जो है भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय है। बारह नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। बारह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोफिस्ट ने कहा मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। तेरह नंबर क्वेश्चन, जैन किसकी उपासना करते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तीर्थकर की। चौदह नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन बौद्ध बुद्धिवादी है। चौदह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डेकार्त। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, जैन मत के अनुसार रीरतन है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सोलह नंबर क्वेश्चन, इस्पिनोजा के अनुसार द्रव्य है। सोलह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ईश्वर। सत्रह नंबर क्वेश्चन, कारण कार्य नियम है। सत्रह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। अठारह नंबर क्वेश्चन, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक है। अठारह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बर्कले। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अभाव का प्रकार है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, दोनों। ए हो जाएगा, संसर्ग भाव। बी हो जाएगा, अनुन्याय भाव। बीस नंबर क्वेश्चन, नीति शास्त्र एवं समाज दर्शन के बीच संबंध है। बीस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा धनिष्ठ। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, कर्मण्येवाधीरस्ते मा फलेषु कदाचन, यह किस ग्रंथ का वचन है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, गीता का है। 22 नंबर क्वेश्चन, गीता में स्वर धर्म का अर्थ है। 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वर्ण धर्म हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, आत्मा की सत्यता के लिए निम्न में से कौन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पारमार्थिक। 24 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय दर्शन नहीं है, भारतीय दर्शन नहीं है, भारतीय दर्शन नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा निराशावादी, निराशावादी। 25 नंबर क्वेश्चन, सांख्यकारिका के रचयिता है, सांख्यकारिका के रचयिता है। 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ईश्वर कृष्ण, ईश्वर कृष्ण जो है सांख्य कारिका के रचयिता है। 26 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार रिरत्न क्या है, बुद्ध के अनुसार रिरत्न क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन, सांख्य दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, देवत्वादी, देवत्वादी। 28 नंबर क्वेश्चन, शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है, शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। 28 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बारहा सूत्र, बारहा सूत्र। 29 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन है। 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रत्ययवादी, प्रत्ययवादी जो है न्याय दर्शन है। 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन जैन संप्रदाय है, इनमें से कौन जैन संप्रदाय है। 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर जो है जैन संप्रदाय है। 31 नंबर क्वेश्चन, शंकराचार्य के अनुसार जगत है, शंकराचार्य के अनुसार जगत है। 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक सत्य। 32 नंबर क्वेश्चन, मोक्ष, 32 नंबर क्वेश्चन, मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द किस दर्शन में प्रयुक्त हुआ है, मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द किस दर्शन में प्रयुक्त हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बौद्ध। 33 नंबर क्वेश्चन, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है। 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चार, पुरुषार्थ जो है चार है। 2 का सार है, उपनिषदों का सार है। 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गीता, गीता जो है उपनिषदों का चार है। आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी के समर्थक है, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी का के समर्थक है। 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बर्कले, बर्कले, बर्कले जो है। 36 नंबर क्वेश्चन, फिलोसफी का अर्थ है, फिलोसफी का अर्थ है, फिलोसफी का अर्थ है। 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम। 37 नंबर क्वेश्चन, शंकर के अनुसार सचित आनंद कौन है, शंकर के अनुसार सचित आनंद कौन है। 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, बरहा। 38 नंबर क्वेश्चन, आस्तिक दर्शन की संख्या है, आस्तिक दर्शन की संख्या है। 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 6, आस्तिक दर्शन की जो संख्या है 6 है। 39 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरणीय नीति शास्त्र है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र है। 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जीवन केंद्रित, जीवन केंद्रित। 40 नंबर क्वेश्चन, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र को कहते हैं, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र को कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, व्यवहारिक नीति शास्त्र, व्यवहारिक नीति शास्त्र जो है अनुप्रयुक्त। मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।